शेफ दीपाली हियर, वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियोस चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसेंस और इमल्शन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इसेंस क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसेंस कौन से यूज करने हैं फॉर केक, इसेंस कौन से यूज करने हैं फॉर चॉकलेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कौन से इसेंस यूज करने हैं एंड इमल्शन एग्जैक्टली क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी हम देखने वाले हैं इमल्शन क्या होता है एंड एसेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं। इमल्शंस जो है मेरे पास वो एक है नंदी ब्रांड का और सेकेंड ब्रांड जो है वो है ब्लू डायमंड। ओके, इमल्शन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंस एंड कलर, ये दोनों का मिक्सचर होता है और ये वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड होने की वजह से आप इस इमल्शंस को चॉकलेट में यूज नहीं कर सकते। आपको अगर इसे यूज करना है तो केक्स में, आइसक्रीम्स में, कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें आप यूज कर सकते हो। जूसेस बनाने के लिए, सिरप्स बनाने के लिए, क्रश बनाने के लिए, ये सारी चीजों में आप इमल्शंस का यूज कर सकते हो। बट आप ये इमल्शंस चॉकलेट्स में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड नहीं है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसेंस के बारे में। इसेंस में दो टाइप होते हैं, एक होता है वाटर बेस्ड और एक होता है ऑयल बेस्ड। तो सबसे पहले हम ऑयल बेस्ड इसेंस के बारे में बात करेंगे। सो ऑयल बेस्ड इसेंस के मेरे पास कुछ ब्रांड्स हैं, तो मैं पहले ब्रांड्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फैब करके एक ब्रांड है जो कि ऑयल बेस्ड इसेंस में है और ये इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। सेकेंड मेरे पास ऑयल बेस्ड में है गोल्डन ईगल एंड उसी के साथ मेरे पास है फ्लाइंग बर्ड के ऑयल इसेंस एंड फोर्थ बेला करके है, बेला के भी ऑयल एसेंस आते हैं। तो ये चारों ब्रांड्स ऑयल बेस्ड एसेंस में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं बट मुझे जो इजीली अवेलेबल हुए वो ये चार ब्रांड्स हैं। तो ये जो ऑयल बेस्ड एसेंस है इसका यूज़ आप चॉकलेट्स में कर सकते हो, साथ ही साथ आप अदर चीज़ों के लिए, मीन्स केक्स के लिए, गनाश के लिए, क्रीम करने के लिए, या फिर आपके मफिन्स बनाने के लिए, कपकेक्स बनाने के लिए, बटर क्रीम के लिए, अगर आपको फूड में इसे यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हो। बट स्पेशली ऑयल बेस्ड एसेंस चॉकलेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑयल बेस्ड होने की वजह से ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी आपको यूज़ करनी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रांड इसके कॉस्टिंग भी बहुत अलग अलग है, तो मैं कॉस्टिंग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ ऑयल बेस्ड एसेंस क्या होता है, ऑयल बेस्ड स्पेशली यूज़ किए जाते हैं फॉर द चॉकलेट्स एंड बाकी चीज़ों में भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे वाटर बेस्ड एसेंस के बारे में। सो वाटर बेस्ड एसेंस में भी मेरे पास कुछ ब्रांड्स है। सबसे पहले मेरे पास एक ब्रांड है सुमित्रा, देन ब्लू डायमंड, उसी के साथ मेरे पास ये वॉयला का एक ब्रांड है एंड ये फोर टाइम्स ए आ करके एक ब्रांड है। तो ये वाटर बेस्ड एसेंस है और इस एसेंस को आप चॉकलेट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड होने की वजह से अगर आप इसे चॉकलेट में यूज़ करोगे तो आपका चॉकलेट जो है वो सीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एसेंस यूज़ किए जाते हैं फॉर द फूड प्रोडक्ट, आइसक्रीम्स के लिए, गनाश बनाने के लिए, अगर आपको इसके साथ केक्स बनाने हैं, किसी भी चीज़ को अगर फ्लेवरिंग करना है तो किसी भी फूड आइटम में आप इस वाटर बेस्ड एसेंस का यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फॉर द चॉकलेट। सो ये था हमारा आज का स्वीट एंड शॉर्ट ऐसा वीडियो जिसमें हमने देखा कि एसेंस एग्जैक्टली क्या होता है, एसेंस में कौन से टाइप है और इमल्शन क्या होता है। एंड आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।